नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं प्याज को लेकर आयात वर्सेस निर्यात के बारे में। दोस्तों, आयात निर्यात की जो स्थिति है वो कैसी देखने को मिल रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी सटीक अपडेट के द्वारा बताऊंगा। किसान साथियों, अभी इस समय वर्तमान समय में प्याज की जो स्थिति है आयात पर कितनी डिपेंड है और निर्यात पर कितनी डिपेंड है, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। तो चलिए किसान मित्रों, जान लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करें किसान साथियों आयात के बारे में, तो आयात की जो स्थिति है वो इस समय बहुत ही कम किसान साथियों नज़र आ रही है। मतलब कहीं आयात किसी भी देश से अपने देश में नहीं हो रहा है। अगर बात करें किसान साथियों निर्यात की, तो निर्यात हल्का पूरा हो रहा है, जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, और भी किसान साथियों जो भूटान जैसे देशों में अभी हल्का पूरा जो निर्यात है प्याज वो अपने देश से हो रहा है। लेकिन किसान साथियों आगे आने वाले समय की अगर बात करें, तो अच्छी खासी पकड़ के साथ जो निर्यात है वो देखने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में किसान साथियों अगर वर्तमान समय में प्याज स्थिति की बात करें, तो महाराष्ट्र की मंडियों में अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश की मंडियों में कहीं ना कहीं सामान्य भाव देखने को ही मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान साथियों, आप अपनी फसल का जो निर्णय है वो अपने ही विवेक के अनुसार और अपने ही निजी निर्णय के अनुसार अपनी फसल का जो निर्णय है किसान साथियों लें।